दोस्तों, जब जिंदगी में कोई रास्ता दिखाई ना दे तब ये कहानी देख लेना। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी महाभारत के युद्ध की। युद्ध के प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था, पेड़ों को हटाया जा रहा था। उस युद्ध की भूमि का मुआयना करने के लिए एक दिन पहले निरीक्षण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र अर्जुन पहुँचे। वो मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे तैयारी किस तरीके से चल रही है। तभी एक चिड़िया उड़ती आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के बोली, हे भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई, मेरी दुनिया आपने उजाड़ दी। यहाँ युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है, पेड़ों को गिराया जा रहा है। एक हाथी ने आकर मेरा पेड़ गिरा दिया, मेरा घोंसला उस पर था, वो घोंसला गिर करके जमीन पर आ गया, उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं, हमारी जान बचा लीजिए भगवान, अब सब कुछ आपके हवाले है। फिर उस चिड़िया से श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, यह तो नियति का पहिया है, समय का पहिया घूमता चला जाता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। फिर वो चिड़िया रुआसु होकर के बोली, भगवान मुझे एक इजाजत दे दीजिए। भगवान ने कहा कि बोलो क्या पूछना है, क्या इजाजत चाहिए। तो उस चिड़िया ने कहा, भगवान मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना। भगवान ने हाँ भरी। फिर अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्त अर्जुन से कहा कि मुझे अपना धनुष और एक तीर दे दो। अर्जुन ने अपना धनुष अपने से पहले पूछा कि केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप शस्त्र उठा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो सामने हाथी देख रहे हो, उस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया है, उस पेड़ को नष्ट कर दिया जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। फिर अर्जुन समझ गए, भगवान श्री कृष्ण ने धनुष लिया और एक तीर छोड़ा, लेकिन वह तीर उस हाथी को लगा ही नहीं, उसके गले में एक घंटी लटकी थी, उस पर जाकर के लगा और घंटी नीचे जमीन पर गिर गई। फिर अर्जुन हंसने लगे और कहने लगे कि माधव, आपसे नहीं हो पाएगा, मुझे मौका दीजिए, एक मिनट में उस हाथी को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, हो गया, बस इतना काफी था। अर्जुन ने भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया। 18 दिन यह युद्ध चला और उसके बाद जब पांडवों की जीत हुई तो एक बार फिर से उस मैदान को साफ किया जा रहा था, क्योंकि काफी युद्ध के बाद जो नुकसान हुआ था, बहुत सारा सामान गिर पड़ा था, साफ सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से अपने दोस्त अपने मित्र अर्जुन के साथ उसी भूमिका करने के लिए निकले और अर्जुन से कहा कि एक काम कीजिए, मेरे रथ से उतरिए और जाकर के नीचे वो जो घंटी रखी है उसको हटा दीजिएगा। अर्जुन चौंक गया कि हमने युद्ध जीत लिया है, हम इतने महान बन चुके हैं और यह मुझे एक घंटी उठाने के लिए और युद्ध भूमि साफ सफाई करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन वह जानता था कि भगवान है, कुछ भी कह सकते, रथ से नीचे उतरा और जा करके घंटी को उठाया, साइड किया, और वह जैसे ही उस घंटी को उठाते हैं वैसे उसके नीचे से नन्हे नन्हे चिड़िया के बच्चे फड़फड़ाते हुए उड़ते हैं। यह देखकर अर्जुन की आंखें नम हो गई। उस घंटी के नीचे था वह घोंसला, उस चिड़िया का जो मदद मांगने आई थी। 18 दिन के युद्ध में वो चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित रहे, क्योंकि घंटी वहां पर उसका सुरक्षा कवच बनकर आ चुकी थी। चिड़िया ने शुरुआत में सिर्फ ये कहा था कि क्या भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना, और भगवान ने हाँ भरी थी। दोस्तों, ये कहानी तो बहुत छोटी है, लेकिन हमने सिखाती है कि दुनिया में हमारे सामने जो भी परिस्थितियाँ आ जाए, उस समय एक काम करिएगा, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दीजिएगा, क्योंकि आप जितना जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा तो वो एक पल में कर सकता है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने सच्ची मेहनत के साथ और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।